नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी रोजाना एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोजाना एप्लीकेशन में पैन कार्ड को कैसे जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहां पे बात करूं कि पैन कार्ड को जोड़ना क्यों पड़ता है रोजाना एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स रोजाना एप्लीकेशन में पैन कार्ड जोड़ने की वजह भी मैं आपको बता देता हूं कि फ्रेंड्स जब हम रोजाना एप्लीकेशन में पैन कार्ड को जोड़ देते हैं तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रोजाना एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हमें पैसा कमाने का मौका देती है और इससे बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि रोजाना एप्लीकेशन में जब हम पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और उसे विड्रॉ करते हैं तो हमसे 20% टैक्स वसूला जाता है। तो फ्रेंड्स जब हम पैन कार्ड को यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो हमारा टैक्स जो है वो कुछ कम हो जाता है। अब कितना कम हो जाता है वो मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और इसका प्रूफ भी आगे आपको बताऊंगा कि टैक्स कम हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टैक्स की बात करूं तो यहाँ पे रोजाना एप्लीकेशन हमसे 20% टैक्स लेता है। यदि हम 100 रुपए यहाँ पे कमा लेते हैं तो केवल 80 रुपए ही हमारा होता है और यहाँ पे जो लिमिट होती है वो 200 रुपए होती है निकालने की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हमारे अकाउंट में 200 रुपए हो जाते हैं और हम अपने पेटीएम अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पेटीएम अकाउंट में केवल 160 रुपए आएगा और 40 रुपए हमसे टैक्स ले लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे में यदि आप पैन कार्ड ऐड कर देते हैं और उसके बाद अपना पैसा जो है वो विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको 10% की छूट मिल जाएगी, यानी 10% टैक्स जो है वो कम कर दिया जाता है और यहाँ पे 200 रुपए विड्रॉ करने पर आपसे केवल 20 रुपए टैक्स लिया जाएगा। तो यहाँ पे 10% ही टैक्स आपको देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन की ओर और जान लेते हैं कि पैन कार्ड को ऐड कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स मैं हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हेल्प की दुनिया। फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पे मैं रोजधन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ रोजधन एप्लीकेशन में पैन कार्ड ऐड करने के लिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पैन कार्ड ऐड करने का क्या फ़ायदा होता है ये बता ही दिया है कि हम अपने टैक्स को जो है वो वापस पा सकते हैं सरकार के द्वारा रिफंड करवा के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पैन कार्ड कैसे जोड़ना है इसके लिए जब हमारा एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाता है तो इस प्रकार से आ जाता है, यहाँ पे आपको विड्रॉ पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको सबूत भी बता देता हूँ, प्रमाण बता देता हूँ कि यहाँ पे कितना टैक्स हमसे लिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20% टैक्स लिया जाता है 200 रुपए पे, 40 रुपए हमें सरकार को देने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप इसी टैक्स से बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पैन कार्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे नीचे आपको पैन कार्ड का एक ऑप्शन मिल जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है जुड़ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। पहले ऑप्शन में आपको अपना अंतिम नाम डालना है और दूसरे ऑप्शन पर आपको अपना पहला नाम, फिर वहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा पैन कार्ड। फ्रेंड्स यदि आपका कोई मध्य नाम है तो यहाँ पे आप मध्य नेम में डाल सकते हैं अपना मध्य नेम और नीचे आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर और नीचे आपको अपनी DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो फ्रेंड्स इन सभी स्टेप्स को जब आप भर देंगे तो फिर आपको नीचे पुष्टि करें पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स जैसे ही आप पुष्टि करें पर क्लिक करेंगे आपकी पैन कार्ड की डिटेल जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता दूँ कि फ्रेंड्स आप जो भी पैन कार्ड यहाँ पर जोड़ रहे हैं उसका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका जो रोजधन एप्लीकेशन जिस नाम से और नंबर से रजिस्टर्ड है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यदि आप सही डिटेल डालेंगे तो फ्रेंड्स आप अपने टैक्स रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अपनी सही सही डिटेल यहाँ पे डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको भी अपनी डिटेल इसी प्रकार से भर देनी है जैसा कि मैंने बता दिया है। ऊपर आपको अंतिम नेम यानी लास्ट नेम आपका और पहले फर्स्ट नेम और नीचे आपको पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए यहाँ पे मैं जल्दी से सभी डिटेल को जो है वो भर देता हूँ, भरने के बाद यहाँ पे पैन कार्ड आपको जोड़ के बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अंतिम नेम में सिंह डाल दिया है और पहला जो नाम मेरा है वो शैलेंद्र और यहाँ पे मध्य नेम में मैंने प्रताप लिख दिया है। तो अपना पूरा नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया है शैलेंद्र प्रताप सिंह। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर और अपनी DOB। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पैन कार्ड नंबर भी डाल दिया है और अपना मोबाइल नंबर भी, उसके बाद यहाँ पे मैंने DOB भी डाल दी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नीचे पुष्टि करें पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं पुष्टि करें पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी डिटेल आ रही है जाँच के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नाम है वो इस प्रकार से दिख रहा है, पहले नंबर पर मैंने लास्ट नेम में मैंने सिंह डाला था और मेरा जो फर्स्ट नेम शैलेंद्र और मध्य नेम प्रताप। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पे यह दिख रहा है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है यहाँ पे पैन कार्ड का, वो केवल एक ही बार होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इस प्रकार से डिटेल डाल दी है, यहाँ पे फिलहाल में आप देख रहे हैं सिंह शैलेंद्र प्रताप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी नाम जो है वो सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसा इसमें बताया गया है मैंने वैसा नाम ही डाला है। मैंने लास्ट नेम में सिंह डाला है जो मेरे लास्ट नेम में लगता है, उसके बाद फर्स्ट नेम में शैलेंद्र होता है और मध्य में जो पड़ता है वो प्रताप। तो मैंने इस प्रकार से सही नाम डाल दिया है अपना, पैन कार्ड का नंबर भी सही से डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं पुष्टि करें पे क्लिक कर देता हूं और उसके बाद देखता हूं कि यहां पे जो है वो क्या होता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं सफलता पूर्वक जुड़ा, तो यहां पे मेरा पैन कार्ड नंबर जो है वो जुड़ चुका है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अपना पैन कार्ड नंबर भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहां पे आप देख रहे हैं हमने जैसे ही पैन कार्ड जोड़ा है तो पहले यहां पे हम 200 रुपए में से केवल 160 रुपए निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें 180 रुपए निकालने का मौका मिल गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पैन कार्ड जोड़ा है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 10% टैक्स में छूट जो है वो मिल गई है। अभी हमारे 200 रुपए में 40 रुपए यहाँ पे कट रहे थे, लेकिन अब यहाँ 200 रुपए में केवल 20 रुपए ही टैक्स कटेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अपने रोजदान एप्लीकेशन में पैन कार्ड को ऐड करके जो है वो अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स चलता हूँ अगली वीडियो में, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।